फ्रेंड्स, इससे लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट का डिडक्शन डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब हम आज की अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड डेब्ट्स। टीनेंट ने लैंडलॉर्ड एसएससी को रेंट पे नहीं किया, एक्चुअल रेंट पे नहीं किया, तो लैंडलॉर्ड एसएससी अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन ले पाएगा क्या अगर टीनेंट उसे रेंट पे ना करे? मतलब टीनेंट प्रॉपर्टी में एक्चुअली में रहा लेकिन वो रेंट पे नहीं कर रहा, इसका मतलब लैंडलॉर्ड एसएससी को बैड डेब्ट्स हो गई, उसे एक्चुअल रेंट रियलाइज नहीं हो पाया टीनेंट से। तो क्या वो इस अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा क्या? यस, पेज नंबर 28 देखें चैप्टर का, पेज नंबर 28 निकालें। पेज नंबर 28 पर देखिए, पेज नंबर 28 पर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब हम कहें लैंडलॉर्ड को बैड डेब्ट्स, टीनेंट प्रॉपर्टी में रहा बट उसने किराया पे नहीं किया, तो ये किराया लैंडलॉर्ड को बैड डेब्ट्स हो गया। यहां पर हम लैंग्वेज यूज करें अनरियलाइज्ड रेंट। तो एसएससी को टीनेंट से किराया नहीं मिला, अनरियलाइज्ड रह गया, तो क्या उसे इनकम नहीं हुई, तो क्या वो इसका एडजस्टमेंट कर पाएगा? यस, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन कौन सा है चेक करना, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 है ना। तो यहां क्या दे रखा है, यहां दे रखा है एसएससी लैंडलॉर्ड अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कर सकता है। कैसे? एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, इसका मतलब एक्चुअल रेंट जो रिसीवेबल था उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दें, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दें, इसका मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं अनरियलाइज्ड रेंट का अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो। तो क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन, टीनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, टीनेंसी जेन्युइन है, बोनाफाइड है, टीनेंट उस प्रॉपर्टी में रहा बट उसने किराया पे नहीं किया। टीनेंसी बोनाफाइड है, जेन्युइन है, टीनेंट प्रॉपर्टी में रहा बट उसने रेंट पे नहीं किया। सेकेंड कंडीशन, टीनेंट हैज वैकेटेड। टीनेंट इस प्रॉपर्टी को या तो खाली कर चुका है या एसएससी ने उससे प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए भरकस कोशिश कर ली है बट उसने प्रॉपर्टी खाली नहीं की है। लेकिन प्राइम कंडीशन क्या है, टीनेंट ने या तो प्रॉपर्टी खाली कर दी है या एसएससी ने उसको मजबूर कर दिया है प्रॉपर्टी खाली करवाने को। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर डिफॉल्टिंग टीनेंट के पास एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जो डिफॉल्टिंग टीनेंट है जिसने रेंट पे नहीं किया है उसके पास एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी पोजेशन में ऑक्यूपेशन में नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एसएससी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। एसएससी ने इस अनपेड रेंट की रिकवरी के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स कर लिए, मतलब केस कर दिया कोर्ट में, और ही हैज सेटिस्फाइड द असेसिंग ऑफिसर दैट द लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी यूजलेस। या तो उसने असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया है कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है। कैसे सेटिस्फाई कर दिया? फॉर एग्जाम्पल, अनरियलाइज्ड रेंट रहा, बैड डेब्ट्स हुई कितनी, सपोज 20,000। अनरियलाइज्ड रेंट बैड डेब्ट्स हुआ कितना, 20,000, बट कोर्ट में केस करने की फीस लग रही है 25,000, फीस ज्यादा लग रही है 25,000। इतना तो रेंट ही रिकवर नहीं होगा अगर हम अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी कर भी लें तो बताइए
एसएससी ऐसा केस करेगा क्या? तो एसएससी साबित कर पाएगा क्या कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है? अगर एसएससी प्रूव कर दे किसके सामने, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है, तो कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी, कंडीशन नंबर डी। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, टीनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, टीनेंट प्रॉपर्टी खाली कर चुका है, इस डिफॉल्टिंग टीनेंट के पास एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं है, और एसएससी ने इस डिफॉल्टिंग टीनेंट के अगेंस्ट या तो केस कर दिया है लीगल, या एसएससी प्रूव कर सकता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो एसएससी को जो अनरियलाइज्ड रेंट हुआ है वो एसएससी कम कर पाएगा। किसमें से? एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब वो इस एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट कम कर दे, रिड्यूस कर दे एक्चुअल रेंट को, अनरियलाइज्ड रेंट के अमाउंट से वो रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से अनरियलाइज्ड रेंट यानी बैड डेब्ट्स कम हो जाएगी, एक्चुअल रेंट कम हो जाएगा। ये है सेक्शन 23 में सबसेक्शन 1 कि अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट होगा क्या? यस, होगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तो होगा, ये हमने समझा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, डिडक्शन नहीं बोलते इसको, ठीक है? डिडक्शन तो तीन ही मिलते हैं ना हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में, कौन से? म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, बस। इसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में चलते हैं। क्वेश्चन बैंक निकालिए, क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसमें क्वेश्चन नंबर है आपके 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पेज नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बैंक खोलो आप अपना और पेज नंबर 9 निकालो, पेज नंबर 9 क्वेश्चन बैंक में, पेज नंबर 9 क्वेश्चन बैंक में निकाला आपने। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर जेड फर्निशेस फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम इन दिल्ली। म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 2,40,000, एक्चुअल रेंट 21,000 और म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया इसने 18,000, ठीक है? फिर और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? द टीनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी, टीनेंट प्रॉपर्टी खाली कर चुका है कब? 31 अक्टूबर 2018 को टीनेंट प्रॉपर्टी खाली कर चुका है, ठीक है? ये मतलब अक्टूबर तक ओल्ड टीनेंट रहा, उसने प्रॉपर्टी खाली कर दी। फिर देर आफ्टर द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, ये लेट आउट फिर से कर दी गई। अक्टूबर तक पुराना टीनेंट रहा और वो रेंट कितना पे कर रहा था? 21,000 पर मंथ, और फिर से प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई और अब कितना किराया मिल रहा है? 25,000 पर मंथ। इसका मतलब ओल्ड टीनेंट 21,000 की रेट से रेंट पे कर रहा था और न्यू टीनेंट 25,000 की रेट से रेंट पे कर रहा है। मिस्टर जेड कुड नॉट रियलाइज रेंट, लैंडलॉर्ड एसएससी रेंट वसूल नहीं कर पाया 2 महीनों का, सितंबर और अक्टूबर 2018 का, 2 महीनों का रेंट वसूल नहीं कर पाया, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब बैड डेब्ट्स, ठीक है? तो क्या अनरियलाइज्ड रेंट का उसको एडजस्टमेंट करना अलाउ है? ये रेंट क्यों नहीं वसूल कर पाया? ड्यू टू डेथ ऑफ द अर्लियर टीनेंट, अर्लियर टीनेंट की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अर्लियर टीनेंट से सितंबर और अक्टूबर 2018 2 महीनों का किराया वसूल नहीं हो पाया, ये अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, ठीक है? तो इसका एडजस्टमेंट करना अलाउड है? यस, अलाउड है।
इसका एडजस्टमेंट करना अलाउड है। तो आपको बोला क्या है, क्या निकालनी है आपको, कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो अब इस क्वेश्चन के दो अप्रोचेस हैं, ये हम दो अप्रोचेस से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अप्रोच वन एंड अप्रोच टू। आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, वो हम अभी बात करेंगे, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है अभी बात करेंगे, ठीक है। बट इनिशियली हम शुरू में दो अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। एग्जाम में एक अप्रोच फॉलो करके सॉल्व कर देना है, और एग्जाम में कौन सा वाला अप्रोच फॉलो करना है ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे। बट इनिशियली आपको शुरू में दोनों अप्रोचेस समझने पड़ेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं, आपका फेयर रेंट कितना है, 240,000, तो 240,000 लिख दो। आपका म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 200,000 लिख दो, 200,000, ठीक है। अब आपके विच एवर इज हायर जेड वैल्यू, 244,000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, ठीक है। तो रीजनेबल रेंट कितना हो गया, बोलो, ये जेड वैल्यू ही बन गया आपका रीजनेबल रेंट, 240,000। तो आपका रीजनेबल रेंट कितना, 240,000। अब आपका एक्चुअल रेंट कितना है चेक करो, देखो ओल्ड टीनेंट आपको 21,000 की रेट से पे कर रहा था, ध्यान से समझना इसको, ओल्ड टीनेंट आपको 21,000 की रेट से पेमेंट कर रहा था, कब तक, अक्टूबर तक, अक्टूबर तक। तो अप्रैल टू अक्टूबर ये हुए आपके 7 months, ठीक है। और प्रॉपर्टी फिर नए टीनेंट को दे दी गई बाद में, कब, नवंबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने, ठीक है। नए टीनेंट के पास 5 महीने, पुराने टीनेंट के पास 7 महीने, ठीक है। तो पुराना टीनेंट पे कर रहा था 21,000 इंटू 7 months, ओल्ड टीनेंट का रेंट कितना, 21,000 इंटू 7 months, और न्यू टीनेंट का कितना, 25,000 इंटू 5 months, नवंबर टू मार्च, ठीक है। तो 21,000 इंटू 7 months और 25,000 इंटू 5 months कितना हो गया टोटल, करो टोटल किया, 272,000 आया। लेकिन इसमें आपका अनरियलाइज रेंट कौन सा रहा, सितंबर और अक्टूबर का किराया अनरियलाइज रहा, तो सितंबर और अक्टूबर में ओल्ड टीनेंट था जो 21,000 की रेट से पेमेंट कर रहा था, तो 2 महीने का किराया 21,000 इंटू टू, 21,000 इंटू 2 months, वो आपका बैड डेब्ट्स अनरियलाइज रेंट कितना हो गया, 42,000, ठीक है। तो ये लेस करेंगे, पहला अप्रोच क्या है, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट क्या करेंगे, लेस कर दो, लेस। तो लेस करने के बाद आया 230,000, तो एक्चुअल रेंट एडजस्ट करके लिखना है, उसमें से अनरियलाइज रेंट लेस कर देना है। अरे लैंग्वेज ही क्या थी प्रोविजन में, कि एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज रेंट, तो देखो हो गया ना, एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज रेंट, तो लेस कर दिया हमने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना था, 272,000, उसमें से हमने लेस कर दिया 42,000 अनरियलाइज रेंट, तो एक्चुअल रेंट हमारा कितना आ गया, 230,000। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल रेंट कम है क्या रीजनेबल रेंट से, एक्चुअल रेंट कम है रीजनेबल रेंट से, क्यों कम है बताओ, क्यों कम है, ड्यू टू अदर रीजन कम होता है तो हम क्या लेते हैं, रीजनेबल रेंट ही बन जाता है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल रेंट कम हो रीजनेबल रेंट से ड्यू टू अदर रीजन, तो रीजनेबल रेंट ही बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दो 18,000, और आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू 222,000,
2,22,000, ये हमारा आ गया नेट एनुअल वैल्यू। ये तो अभी हमने अप्रोच वन से किया, अब अप्रोच टू से करते हैं। अप्रोच टू से देखो, रीजनेबल रेंट तक सारी बातें सेम, रीजनेबल रेंट तक सारी बातें सेम। रीजनेबल रेंट कितना 2,40,000, ठीक है। और एक्चुअल रेंट अब पूरा लिखना, रिसीव्ड रिसीवेबल पूरा लिखना, कैसे रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे साल का कितना था 2,72,000, ठीक है, लिख दिया। एक्चुअल रेंट ज्यादा है रीजनेबल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,72,000। फिर अब समझना, म्यूनिसिपल टैक्स तो लेस करना ही है, अनरियलाइज्ड रेंट भी यहां लेस करना है। अनरियलाइज्ड रेंट यहां लेस करना है अप्रोच टू में 42,000 यहां लेस करना है, ठीक है। तो यहां आपने लेस कर दिया, यहां लेस हो गया आपका 42,000। तो यहां लेस होगा अनरियलाइज्ड रेंट। दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है बताओ, दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, अब ध्यान से सुनना, अनरियलाइज्ड रेंट फर्स्ट अप्रोच में ग्रॉस एनुअल वैल्यू से पहले ही लेस हो गया, और सेकेंड अप्रोच में वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद लेस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दो अप्रोचेस हैं, ठीक। ये वैसे तो अप्रोच फर्स्ट ठीक है, कानून में लिखा हुआ है अप्रोच फर्स्ट के हिसाब से करना, बट अप्रोच सेकंड कब, अप्रोच सेकंड आपको कब लगाना है, और अप्रोच सेकंड आया कैसे? अप्रोच सेकंड आया जब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के फॉर्म्स इश्यू किए, इनकम टैक्स के फॉर्म्स इशू किए, तो उसमें अनरियलाइज्ड रेंट उन्होंने डाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस बता के। कहने का मतलब ये अप्रोच सेकंड इनकम टैक्स फॉर्म्स की देन है, इनकम टैक्स फॉर्म्स की वजह से अप्रोच टू आया। रीजन, जब आप किसी का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे आर्टिकलशिप में, तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद लेस करना है अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। तो यहां लेस होगा क्योंकि इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म्स में ऐसे ही दे रखा है, यहां लेस करना है। तो अप्रोच टू इनकम टैक्स फॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अब सवाल पैदा होता है, दोनों में आंसर वेरी कर रहा है, मेन मुद्दा है आंसर वेरी कर रहा है। अप्रोच वन अप्रोच टू दोनों में आंसर चेंज आ रहा है, आने दो क्या करें, आएगा अलग आएगा आंसर। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में अप्रोच वन फॉलो कर देना है। क्यों? क्योंकि ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अप्रोच वन फॉलो किया है अपने स्टडी मटेरियल में। तो स्टडी मटेरियल में, ICAI के स्टडी मटेरियल में अप्रोच वन फॉलो रखा है, तो आपको अप्रोच वन फॉलो करना है। या आप एग्जाम में दोनों तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है, कि अल्टरनेटिव व्यू ये भी है, बट ICAI के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच वन फॉलो करना है। आंसर दोनों अप्रोचेस में अलग आ सकता है, राइट। ये हमने समझा अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक। अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कब करेंगे, चार कंडीशन सेटिस्फाई हो, टीनेंसी बोनाफाइड हो, टीनेंट प्रॉपर्टी वैकेंट कर चुका हो, या SSC ने स्टेप्स ले लिए उससे प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए, और थर्ड कंडीशन क्या थी, डिफॉल्टिंग टीनेंट के पास SSC की और कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन में नहीं होनी चाहिए, और फोर्थ कंडीशन क्या थी, इस डिफॉल्टिंग टीनेंट के अगेंस्ट SSC ने केस कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने
समझा। ठीक, अब आगे, अब आते हम रिकवरी पर। अब आते हम रिकवरी हो गई, अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो गई, हमने अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो जाए, वो बैड डेब्ट्स वसूल हो जाए, रिकवर हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है ना, एसएससी ने अनरियलाइज्ड रेंट एडजस्ट कर दिया, डिडक्शन ले लिया उसका, और बाद में वो अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो गई, वो बैड डेब्ट्स रिकवर हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो तो सेक्शन 25A लगेगा, लेकिन ये सेक्शन 25A सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी पर नहीं लगता। कब लगता है? दो सिचुएशन में लगता है, एक तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट की भी रिकवरी, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी और एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी। तो एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? देखिए, अगर लैंडलॉर्ड और टीनेंट में रेंट के अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और मैटर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने बैक डेट से रेंट इंक्रीज कर दिया, कोर्ट ने बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेंट इंक्रीज कर दिया, तो उस सिचुएशन में टीनेंट को बैक डेट से बड़ा हुआ किराया लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। तो वो पास्ट पीरियड का जो बड़ा हुआ किराया लैंडलॉर्ड को पे करेगा वही कहलाता है एरियर ऑफ रेंट। मतलब एरियर ऑफ रेंट क्या? पास्ट पीरियड का बड़ा हुआ किराया जो अब टीनेंट लैंडलॉर्ड को देगा। ठीक है, तो अगर उसकी भी रिकवरी हो तो भी सेक्शन 25A ही लगेगा। तो 25A दो रिकवरीज पर है, अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी और एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी। तो अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी के लिए क्या पॉइंट है? देखिए, अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ टीनेंट और द अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सबसिक्वेंटली फ्रॉम ए टीनेंट एंड बाय द एसएससी शैल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल कब होगा? इन द ईयर इन विच सच रेंट इज रिसीव्ड और रियलाइज्ड। मतलब क्या? अनरियलाइज्ड रेंट ये रिकवरी कब टैक्सेबल होगी? ये रिकवरी रिसेप्ट ईयर में टैक्सेबल होगी। ठीक है, और कहां टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल होगी, सच रिकवरी शेल बी टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हेड। ये रिकवरी टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में, रिसेप्ट ईयर में। और एक खास बात, बहुत ही खास बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द एसएससी इज द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसेप्ट और नॉट। एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर जिस पर ये रिकवरी हुई है रिकवरी वाले ईयर में, एसएससी भले ही उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, रिकवरी वाले ईयर में एसएससी का उस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी नहीं है। हो सकता है एसएससी वो प्रॉपर्टी बेच चुका हो और रिकवरी बाद में हो रही हो। तो कहने का मतलब, रिकवरी वाले ईयर में ऑनरशिप कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर हो चाहे ना हो, ये रिकवरी टैक्सेबल होगी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, अब ये रिकवरी टैक्सेबल तो हो रही है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट में, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगा कि नहीं? यस, सेक्शन 25A में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बताया है कि यस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा, लेस हो जाएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना अलाउड है। ठीक है, लेस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट ही टैक्सेबल होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये रिकवरी हम कहां शो करें, ये रिकवरी हम कहां शो करें? कमेंट में देखिए, इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन शैल बी गिवन एट द एंड, एज बिल्कुल एंड में,
पहले करना क्या है, पहले करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, पहले करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, ये तो पास्ट ईयर की रिकवरी है, इसको बिल्कुल एंड में शो करना है, बिल्कुल एंड में शो करना। पहले करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली जाएगी, ये तो पास्ट ईयर की रिकवरी है, तो इसको लास्ट में ऐड कर देना है, तो एज इट इज द रिकवरी ऑफ पास्ट ईयर और ईयर्स, तो इसको लास्ट में शो करना है। पहले तो करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, फिर इसको लास्ट में ऐड कर देना। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक एग्जांपल देखिए, ये है आपके पेज नंबर 31 पर, पेज नंबर 31 पर। मिस्टर डी ऑनर था कब, 2012-13 में, ये प्रॉपर्टी वो बेच चुका है अब, कब, 23 जून 2013 को ये प्रॉपर्टी बेच चुका है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच उसका अनरियलाइज रेंट रहा था 40,000 वाज ड्यू इन दैट ईयर, उसका अनरियलाइज रेंट एक्चुअल था 40,000, बट इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिडक्शन मिला सिर्फ 30,000। अरे एक्चुअल अनरियलाइज्ड रेंट था 40,000 और उसको डिडक्शन मिला सिर्फ 30,000 का, कितना डिडक्शन लेना रह गया, 10,000, 40,000 माइनस 30,000, 10,000 का डिडक्शन लेना रह गया, तो क्या अब ले सकता है? ध्यान से समझना, एक्चुअल अनरियलाइज्ड रेंट कितना था, 40,000, बट इनकम टैक्स के रिटर्न में उसको अलाउ कितना हुआ, 30,000, इसका मतलब 10,000 का डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन है, जो 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 क्लेम करना रह गया। अब आगे की स्टोरी, इस साल प्रीवियस ईयर 2018-19 में ही मेक्स रिकवरी, इस साल करंट ईयर में 2018-19 में उसको रिकवरी हुई 15,000 की। अब 15,000 में से क्या करेगा, वो जो 10,000 का उसका शॉर्ट डिडक्शन था ना, 10,000 का उसका शॉर्ट डिडक्शन कैसे था, 40,000 माइनस 30,000, ठीक है, ये अभी जो रिकवरी हो रही है उसमें से लेस कर देगा। अभी कितनी रिकवरी हुई इस साल, 15,000, 15,000 की रिकवरी हुई, और पास्ट का उसका शॉर्ट डिडक्शन कितना था, पास्ट का 10,000, ये 15,000 की रिकवरी में से लेस कर देगा शॉर्ट डिडक्शन 10,000। अब अनरियलाइज्ड रेंट कितना बचेगा, अब अनरियलाइज्ड रेंट बचेगा सिर्फ 5,000। तो ध्यान से समझना, करंट ईयर की रिकवरी कितनी है, 15,000, उसमें से शॉर्ट डिडक्शन कितना उसको क्लेम नहीं कर पाया था, अनरियलाइज्ड रेंट 10,000, वो उसमें से लेस हो जाएगा। बैलेंस रिकवरी कितनी बची, बैलेंस रिकवरी कितनी बची, 5,000, 15,000 माइनस शॉर्ट डिडक्शन 10,000, तो बैलेंस रिकवरी बची 5,000। हाँ, और उस पे भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली 3,500 टैक्सेबल होगा उसको सेक्शन 25A में प्रीवियस ईयर 2018-19 में, इफेक्टिवली 3,500 टैक्सेबल होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी उसको करंट ईयर में कितनी रिकवरी हुई, 15,000, पास्ट ईयर में उसका शॉर्ट डिडक्शन था 10,000, वो करंट ईयर की रिकवरी 15,000 में से ये शॉर्ट डिडक्शन 10,000 का लेस कर देगा, फिर बैलेंस रिकवरी बचेगी 5,000, इस बैलेंस रिकवरी 5,000 में से फिर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% क्लेम कर लेगा, तो इफेक्टिवली अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी कितनी टैक्सेबल होगी, 3,500, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 25A, ये हमने कहा कि शॉर्ट डिडक्शन रिकवरी में से लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर के एंड में एक कमेंट दे रखा है, चैप्टर का एंड देखना,
पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 निकालना, उस पर भी एक बात दे रखी है, डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर। बताइए आपका पास्ट में अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन लेना ही रह गया था, पिछले साल आपको लेना था लेकिन आप अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन लेना भूल गए, अब इस साल अलाउ हो जाएगा क्या आपको? नहीं, अलाउ नहीं होगा। डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट कैन बी अलाउड ओनली इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर टू विच इट रिलेट्स। मतलब अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन एडजस्टमेंट कब किया जाएगा? जिस ईयर से वो रिलेटेड है उसी ईयर में, तो वो बाद के किसी साल में लेस नहीं हो सकता, बाद के किसी साल में लेस नहीं हो सकता। ठीक, बाद के किसी साल में लेस नहीं हो सकता, जिस ईयर से बिलोंग करता है उसी ईयर में आपको अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझना, अगर पास्ट ईयर में उसका शॉर्ट डिडक्शन था अनरियलाइज रेंट को लेकर और सबसेक्वेंट ईयर में रिकवरी हो गई, सेम टीनेंट से रिकवरी हो गई सबसेक्वेंट ईयर में, तो यस, इन द ईयर ऑफ रिकवरी वो क्या कर सकता है, ये शॉर्ट डिडक्शन इस रिकवरी में से लेस कर सकता है। और फिर जो बैलेंस रिकवरी है वही टैक्सेबल होगी, और हाँ, उस बैलेंस रिकवरी में से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 30% और लेस कर सकता है। ठीक है, तो अब दो बातें हैं, अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट सेम ईयर में करना है, सबसेक्वेंट ईयर में नहीं कर सकते, कब? एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, रिकवरी हो गई तो रिकवरी टैक्सेबल हो जाएगी रिसिप्ट ईयर में, बट हाँ, रिकवरी में से पास्ट में जो शॉर्ट डिडक्शन था वो लेस कर पाएंगे, और फिर बैलेंस रिकवरी टैक्सेबल होगी, और उसमें से भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना अलाउ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने पढ़ा अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन और उसकी रिकवरी के बारे में। अब और हमने अनरियलाइज रेंट का क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक, अब एक अनरियलाइज रेंट पर की रिकवरी पर एक और भी क्वेश्चन करते हैं, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी पर। देखिए पेज नंबर 11 पर आ जाइए आप, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 11 निकालिए, उस पर क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 निकालिए पेज नंबर 11 पर, एक और क्वेश्चन करते हैं अनरियलाइज रेंट की रिकवरी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन मार्च 2018, वो तो बेच चुका है प्रॉपर्टी मार्च 2018 में, अपनी प्रॉपर्टी बेच चुका है। फिर इस साल इन जून 2018 में ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस फॉर 2 years, कब से? अप्रैल 2012 से लेकर मार्च 2014 तक उसने मिस्टर गौरव को प्रॉपर्टी लेट आउट की थी, उससे रिकवरी हुई। रिकवरी कितनी हुई? अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई 10,000। ठीक है, मिस्टर गौरव से। फिर और भी बातें दे रखी हैं, पढ़ते हैं, ही कुड नॉट रियलाइज 2 month रेंट्स, उससे 20,000 का रेंट वसूल नहीं हो पाया था, और टू दैट एक्सटेंट हिज एक्चुअल रेंट वॉज रिड्यूस्ड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब क्या, जब ये अनरियलाइज रेंट उसको हुआ था उस ईयर में उसने अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दिया था, एडजस्टमेंट कर दिया था, अब करंट ईयर में रिकवरी हो रही है। करंट ईयर में रिकवरी हो रही है कब? जून 2018 में 10,000 की रिकवरी हो रही है। बताइए इसको इनकम बताएं, यस 10,000 को इनकम बताना होगा। ठीक है, फिर
आगे बढ़ते हैं, देखिए पास्ट में क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा 20,000 इसका रेंट रियलाइज नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, उसका डिडक्शन वो ले चुका है पास्ट में। अभी कितनी रिकवरी हुई, अभी तो रिकवरी मिस्टर गौरव से कितनी हुई, ओनली 10,000 की। तो ये 10,000 की रिकवरी टैक्सेबल बता दीजिए, इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 25A लगेगा। फिर फर्दर ही हैड लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 14 टू फेब 2018 टू मिस्टर सतीश, सतीश एक और टीनेंट था इसका, इन अप्रैल 2016 ही हैड इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000 पर मंथ, किराया मिस्टर आनंद ने बढ़ा दिया था, लेकिन जो कि डिस्प्यूट हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, दोनों के बीच रेंट के अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, बट सितंबर 2018 में क्या हुआ, द मैटर वॉज फाइनली सेटल्ड एंड मिस्टर आनंद रिसीव्ड 69,000 एज एरियर ऑफ रेंट, उसको उस पास्ट पीरियड का एरियर ऑफ रेंट मिला, कितना मिला, 69,000 मिला। ठीक है, तो ये भी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर टोटल कर लेंगे हम, टोटल आ गया, फिर टोटल रिकवरी इधर आ गई, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस और बाकी का अमाउंट टैक्सेबल सेक्शन 25A में, सेक्शन 25A में बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया अनरियलाइज रेंट की रिकवरी और एरियर रेंट की, अनरियलाइज रेंट और एरियर रेंट की रिकवरी की हमने। तो पेज नंबर 28 पर देखें, पेज नंबर 28 पर सेक्शन 23 का सबसेक्शन 4, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 4 हमने क्या बात की थी डीएलओपी के बारे में, डीएलओपी मतलब डीम टू बी लेट आउट, ये क्या कंसेप्ट था सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 में, डीएलओपी का कंसेप्ट क्या था, अगर किसी एसएससी के पास एक से ज्यादा एसओपी एनओपी है तो उसे सिर्फ एक ही एसओपी एनओपी मानने का राइट है, एक ही प्रॉपर्टी उसकी एसओपी एनओपी मानी जाएगी, उसके अलावा ऑल अदर प्रॉपर्टीज डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगी। और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, एज इफ एलओपी, उनको एलओपी मानते हुए कैलकुलेशन करनी है, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 में। ठीक है, तो एक से ज्यादा एसओपी एनओपी है तो सिर्फ एक ही एसओपी, एक ही प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी मानी जाएगी, ऑल अदर प्रॉपर्टीज शैल बी डीम टू बी लेट आउट, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ये देखिए आपका पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पर देखें, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर राम हैज टू हाउसेस बोथ ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द पार्टिकुलर्स ऑफ हाउसेस आर एस अंडर, दोनों हाउसेस की डिटेल दे रखी है, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है दोनों हाउसेस की, और फेयर रेंट दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखी है, बहुत पुरानी है, 1997 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन डेट दें तो उससे एक बात सामने आती है, क्या, अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर लोन लिया गया है तो इसका पीसीपीआई कब का ही खत्म हो चुका होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कब का ही खत्म हो चुका होगा, रीजन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब मिला होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब मिला होगा बताओ, जब परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इतना पुराना
कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है कब, 1997 दोनों प्रॉपर्टीज का, तो बताइए इस ईयर में इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिला होगा पीसीपीआई का, तो अब तक प्रीवियस ईयर 2018-19 तक सारी किस्तें इसकी वाइट ऑफ हो चुकी होंगी, सारी इंस्टॉलमेंट्स पीसीपीआई की इसको अलाउ हो चुकी होंगी, हम शॉर्ट में बोले पीसीपीआई एक्सपायर्ड, इसका पीसीपीआई एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट होगा भी तो वो सिर्फ करंट ईयर का होगा, और अगर वो भी तब होगा, करंट ईयर का भी तब होगा जब लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो पुरानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट बताती है पीसीपीआई एक्सपायर्ड, और करंट ईयर का इंटरेस्ट अगर है तो वो तभी होगा जब लोन आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय मिस्टर राम टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम, बताइए मिनिमम लायबिलिटी बने, उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो। उसके पास दो दो एसओपी हैं, उसमें से एक उसको एसओपी मानना होगा और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी डीम टू बी लेट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी वाली एसओपी माने, कौन सा हाउस एसओपी माने और कौन सा हाउस डीएलओपी माने, इसकी हमको चॉइस बनानी है, इसका हमको ऑप्शन बनाना है, ठीक है। तो हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी एसओपी मानी जाए और कौन सी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट मानी जाए, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है। कैसे, पहले स्टेप वन दोनों हाउसेस को लेट आउट मान लें, दोनों हाउसेस को लेट आउट मानते हुए सॉल्व करें, फर्स्ट स्टेप। तो दोनों हाउसेस को लेट आउट मानते हुए करें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, देखिए बताइए हाउस वन के केस में क्या होगी, हाउस वन की म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर रेंट है 92,000, ठीक है, विच एवर इज हायर, 92,000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो यही 92,000 हो जाएगा रीजनेबल रेंट, रीजनेबल रेंट हो गया 92,000, एक्चुअल रेंट मिसिंग, अच्छा एक्चुअल रेंट मिसिंग, बोलो रीजनेबल रेंट तो हो गया 92,000 लेकिन एक्चुअल रेंट मिसिंग डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में एक्चुअल रेंट मिसिंग ही होगा और रीजनेबल रेंट बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो रीजनेबल रेंट क्या आया था 92,000, वही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ध्यान रखना एक्चुअल रेंट मिसिंग होगा डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में, एक्चुअल रेंट मिसिंग तो रीजनेबल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो यहां बन गया 92,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 9,000, वो लेस कर दिया, अब एनएवी आ गई 83,000, एनएवी आ गई 83,000, इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया और एनएवी हमारे पास एनएवी नहीं, ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको कर देना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई इसकी 58,100 हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई डीएलओपी होने की वैल्यू, ठीक है। अब हाउस सेकंड की कैलकुलेशन देखते हैं, हाउस सेकंड की कैलकुलेशन क्या है, 99,000 म्युनिसिपल वैल्यू और 1,25,000 फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, 1,25,000 जेड वैल्यू हो गई, जेड वैल्यू क्या हुई, विच एवर इज हायर 1,25,000, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 1,03,000 से, फिर विच एवर इज लेस लेंगे तो विच एवर इज लेस क्या आएगा 1,03,000, वो क्या हो जाएगा रीजनेबल रेंट, और रीजनेबल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू रीजन,
एक्चुअल रेंट डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में मिसिंग, ठीक है। तो रीजनेबल रेंट आया 1,03,000, वही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,03,000। फिर इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस हो गया 13,000, फिर 90,000 एनएवी आ गई और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया 30%, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 63,000, ठीक है। ये हमने क्या किया, दोनों मकानों को डीएलओपी मानकर वैल्यू निकाली। हालांकि दोनों मकान डीएलओपी होंगे नहीं, उसमें से एक एसओपी होगा, एक डीएलओपी माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार हम स्टेप फर्स्ट में दोनों हाउसेस को डीएलओपी मानकर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करना है, दोनों हाउसेस को एसओपी मान ले, दोनों हाउसेस को क्या मान ले, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर दोनों हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, निल, ठीक है, दोनों की वैल्यू निल। ये स्टेप टू कंप्लीट। अब स्टेप थ्री में आते हैं। स्टेप थ्री कहता है चॉइस मेकिंग, चॉइस बनाओ। चॉइस क्या बनाए, पहला ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि हम हाउस फर्स्ट को एसओपी माने और हाउस सेकंड को हमको फिर डीएलओपी मानना पड़ जाएगा। हाउस फर्स्ट को अगर हम एसओपी मानेंगे तो हाउस सेकंड को डीएलओपी मानना पड़ेगा। तो हाउस फर्स्ट के एसओपी होने की वैल्यू क्या है, निल। हाउस सेकंड के डीएलओपी होने की वैल्यू क्या है, ये डीएलओपी होने की वैल्यू इधर आ गई, देखो 63,000 डीएलओपी होने की वैल्यू आ गई 63,000। बट टोटल वैल्यू क्या हुई दोनों हाउसेस की, 63,000 टोटल वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, अगर हाउस सेकंड को एसओपी मानते हैं तो हाउस फर्स्ट को डीएलओपी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउस फर्स्ट के एसओपी होने की वैल्यू क्या, निल। हाउस सेकंड के एसओपी होने की वैल्यू क्या, निल। और हाउस फर्स्ट के डीएलओपी होने की क्या वैल्यू है, हाउस फर्स्ट के डीएलओपी होने की वैल्यू है कितनी, बोलो, देखो 58,100 हाउस फर्स्ट के डीएलओपी होने की वैल्यू है। तो और एसओपी, सेकंड हाउस एसओपी, तो उसकी वैल्यू निल, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई दोनों हाउसेस की, 58,100। बताओ कौन से ऑप्शन में लोअर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, कहां टैक्सेबल अमाउंट कम आ रहा है, कौन से ऑप्शन में टैक्सेबल अमाउंट कम आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन बी में कम आ रहा है क्या, देखो ऑप्शन बी में टैक्सेबल अमाउंट कम आ रहा है। दोनों ऑप्शंस का कंपैरिजन किया, ऑप्शन बी में अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कम आ रहा है। तो हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं, फाइनल कंक्लूजन क्या, हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लो फिर। ऑप्शन बी क्या कहता है, कुल किसको एसओपी मानो, हाउस सेकंड को एसओपी मानो। तो हाउस सेकंड को एसओपी माना जाए क्योंकि इस ऑप्शन में ऑप्शन बी सेलेक्ट किया जाए जहां लोअर टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम है, वैसे करना होगा। पहले दोनों हाउसेस को डीएलओपी मानकर कैलकुलेशन करनी होगी, बट ध्यान रखना वहां पर एक्चुअल रेंट निल लिखना, रीजन डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट तो है नहीं, तो एक्चुअल रेंट तो निल ही आएगा और उस सिचुएशन में रीजनेबल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक। फिर सेकेंड स्टेप करना, दोनों मकानों को एसओपी मानकर करना, और फिर थर्ड चॉइस मेकिंग करना, दो ऑप्शन बनाना, हाउस फर्स्ट को एसओपी, हाउस सेकंड को डीएलओपी, फिर चॉइस रिवर्स कर देना, हाउस फर्स्ट को डीएलओपी और हाउस सेकंड को एसओपी, फिर चेक करना कहाँ टैक्सेबल अमाउंट कम आता है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं हम।
इसमें बोल रहे क्या क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर चेंज होगा क्या अगर हाउस सेकंड के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना हाउस सेकंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर मनी बोरोड फॉर रिपेयर, ओहो रिपेयर के लिए बोल रहे हैं, रिपेयर का ध्यान रखना रिपेयर वर्ड लिखा हुआ है, लोन क्यों लिया गया रिपेयर के लिए, ठीक है, तो ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर का इंटरेस्ट 40,000 है, अरे पीसीपीआई तो पहले ही एक्सपायर हो गया ना, रीजन आपकी प्रॉपर्टी कब की थी बोलो, कंस्ट्रक्शन इधर 1997 में ही कंप्लीट हो गए थे ना दोनों हाउसेस के, तो पीसीपीआई तो एक्सपायर हो गया था, खत्म हो गया था, पांच किस्तें कब की अलग हो गई थी, तो 2018-19 में पीसीपीआई की कोई किस्त नहीं रहेगी, और अगर होगा तो सिर्फ करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा, और वो भी तभी जब जब लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग हो, तो ठीक है ना, तो ये सिर्फ क्या है हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट है, पीसीपीआई का इंटरेस्ट, पीसीपीआई वाला इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ गई थी वैसे कर लेना है, ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद शुरू से शुरू करें आप, क्या करें आप, स्टेप वन से आपको शुरू करना होगा, दोनों हाउसेस को कैसे मानकर करना है, लेट आउट मानकर, डीएलओपी मानकर, बोथ एज्यूम बोथ हाउसेस, क्या मानना है बोथ हाउसेस को, डीएलओपी मानना है, दोनों हाउसेस को डीएलओपी मानना है, तो कैलकुलेशन आपकी एनएवी तक आ गई सेम पिछले क्वेश्चन जैसे, ठीक है। अब यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया, इफेक्ट कहां आया, इफेक्ट आया ये 40,000 का इंटरेस्ट और लेस हुआ, ये 40,000 का इंटरेस्ट सेकंड हाउस के रेस्पेक्ट में था और रिपेयर के लिए था, लेकिन अगर मकान डीएलओपी है तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, सारा का सारा इंटरेस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, तो सारा का सारा इंटरेस्ट अलाउ हो गया, और फिर हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 58,100 और सेकंड हाउस की 23,000। अब क्या करना है, अब करना है स्टेप टू, स्टेप टू किया तो उसमें दोनों हाउसेस को एसओपी मानना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, हाउस फर्स्ट को एसओपी माने तो वैल्यू निल, लेकिन हाउस सेकेंड के लिए तो क्या है, इंटरेस्ट है कि नहीं, हाउस सेकंड के लिए इंटरेस्ट है, कितना 40,000, बट रिपेयर के लिए लिया है लोन, तो अगर मकान एसओपी हुआ तो 40,000 अलाउ होगा क्या इंटरेस्ट, नहीं, कितना अलाउ होगा 30,000 ओनली, रीजन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं तो आपको ज्यादा डिडक्शन मिल सकता है, बट रिपेयर के लिए लिया है लोन आपने, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत पुराना कंप्लीट है, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट भले ही 40,000 हो, अगर मकान एसओपी है तो इंटरेस्ट 30,000 ही अलाउ होगा, ठीक, समझ आई बात। अब चॉइस मेकिंग करते हैं, स्टेप थ्री में क्या करना है, चॉइस मेकिंग करनी है, फर्स्ट हाउस को एसओपी मानकर देखें, फर्स्ट हाउस की एसओपी होने की वैल्यू निल और सेकंड हाउस के डीएलओपी होने की वैल्यू 23,000, राइट, सेकंड हाउस के डीएलओपी होने की वैल्यू 23,000, तो टोटल दोनों हाउसेस का कितना टोटल हो गया 23,000 टोटल अमाउंट, ठीक, ये ऑप्शन फर्स्ट, इस ऑप्शन फर्स्ट में हमने हाउस फर्स्ट को एसओपी माना और हाउस सेकंड को डीएलओपी माना, ठीक है, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आया 23,000, लेकिन अगर हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं तो ये मतलब अगर हाउस सेकंड को एसओपी मानते हैं और हाउस फर्स्ट को डीएलओपी मानते हैं तो हाउस सेकंड के एसओपी होने की वैल्यू कितनी, ये 30,000 आ गया, 30,000 एसओपी होने की वैल्यू, और हाउस फर्स्ट के डीएलओपी होने की वैल्यू ये रही, ये आ गई इधर 58,100,
तो हाउस फर्स्ट के डीएलओपी होने की वैल्यू 58,100 और हाउस सेकंड के एसओपी होने की वैल्यू नेगेटिव 30,000। तो वैल्यू कितनी हो गई? 28,100 टोटल अमाउंट। टोटल टैक्सेबल अमाउंट दोनों हाउसेस का मिलाकर कितना हो गया? 28,100। ठीक है, बताइए अब कौन से ऑप्शन में जाना है? लोअर टैक्सेबल अमाउंट आपका कहां आ रहा है दोनों ऑप्शंस में? ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है लोअर टैक्सेबल अमाउंट। तो इसको क्या करना चाहिए? हाउस फर्स्ट को एसओपी मानना चाहिए और ऑप्शन ए सेलेक्ट करना चाहिए। रीजन, ऑप्शन ए में हाउस फर्स्ट को एसओपी माने, हाउस फर्स्ट को एसओपी माने और ऑप्शन ए लगाया जाए तो लोअर टैक्सेबल वैल्यू आएगी दोनों मकानों की मिलाकर कितनी? 23,000। तो जहां लोअर टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये था हम एसओ, हमारे पास एक से ज्यादा एसओपी एनओपी हो तो क्या होगा? सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 बोलेगा एक ही एसओपी ले सकते हो जिसकी एनुअल वैल्यू नील, बाकी सारे एसओपी क्या माने जाएंगे? डीम टू बी लेट आउट। तो अब हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। ठीक, ये हमने समझा, अगर एक से ज्यादा एसओपी एनओपी हो तो सिर्फ एक ही एसओपी माना जाएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज डीम टू बी लेट आउट हो जाएंगी और उनकी कैलकुलेशंस एज इफ एलओपी होंगी। ठीक, बट ध्यान रखना जब डीएलओपी की कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक्चुअल रेंट निल लिखना। क्यों? अरे प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट थोड़ी ना है, उसको जबरदस्ती माना जा रहा है लेट आउट। अब माना भली जाए, एक्चुअल रेंट कहां से आएगा? एक्चुअल रेंट ऑलवेज निल इन केस ऑफ डीएलओपी और रीजनेबल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, ये हमने किए कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं हम प्रोविजंस में, प्रोविजंस में आते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें। देखिए पेज नंबर है आपके, पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। पेज नंबर 33 निकालना आप, पेज नंबर 33 पे क्या करेंगे? पेज नंबर 33 पर हम ये कुछ मिसक्लेनियस प्रोविजंस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 दे रखा है आपके पेज नंबर 33 पर, प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करता है, अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करता है, तो उस प्रॉपर्टी पर तो हाउस प्रॉपर्टी हेड ही नहीं लगता है। ये बात कहां पड़ी थी? ये बात पड़ी थी चार्जिंग सेक्शन 22 में, कि अगर इफ हाउस प्रॉपर्टी, सच हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी एसएससी अपने ओन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करेगा उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड तो लगेगा ही नहीं। तो ये तो फायदा हो गया एसएससी को, एसएससी तो एनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टीज हो, अपने बिजनेस में यूज करे और उनकी एनुअल वैल्यू यहां हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल नहीं होगी। रीजन, कितनी भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाए बट उन पर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा। ठीक, अब अगला पॉइंट दे रखा है इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट ऑन होल्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट ऑन होल्डिंग्स से इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपका मकान मेन रोड पर है जहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है, पब्लिक ज्यादा रहती है। सपोज आपके पास एक कंपनी आई और उसने कहा हमारी कंपनी का होल्डिंग आप हमें अपने छत के बाहर जो लोकेशन है वहां पर लगाने दीजिए ताकि पब्लिक को अच्छी तरह से हमारा होल्डिंग डिस्प्ले हो पाए। तो ये कंपनी आपके मकान के बाहर छत की तरफ एक होल्डिंग लगा कर गई जो पब्लिक को इजीली दिखाई दे, और कंपनी का कहना है इसके लिए हम आपको पैसा पे करेंगे। तो आपको इनकम रिसीव हो रही है होल्डिंग डिस्प्ले करने से,
या हम यहाँ एक और बात बोल सकते हैं, आजकल मोबाइल टावर कंपनीज वाली भी, मोबाइल कंपनीज भी आती हैं, टावर लगा कर जाती हैं, ठीक है, तो वो भी पैसा पे करती हैं, तो इनकम हो रही है। बताइए क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी? सोच के बताइए, क्या आपने इस सिचुएशन में किसी को अपने मकान का ऑक्यूपेशन दिया है? क्या मकान का ऑक्यूपेशन आपने किसी को नहीं दिया तो इस सिचुएशन में फिर भी आपको इनकम रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो रहा है, बट ये रेंट आपको हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो कहां होगा? ये रेंट आपको टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में, ठीक। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू दे रखा है यहां पर, मिस्टर डी हु वाज डिराइविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रियलाइज्ड ए सम ऑफ रुपीज 52,000 ऑन डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग्स ऑफ वेरियस कंसर्न्स ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर IFOS। IFOS मतलब क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा ये अमाउंट, हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में, एनुअल चार्ज। ये एनुअल चार्ज क्या होता है? एनुअल चार्ज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फादर है, अपने सन को अपनी प्रॉपर्टी विल में दे रहा है, फादर सन को अपनी प्रॉपर्टी वसीयत में विल में दे रहा है, ये कहते हुए विल में कंडीशन डाल रहा है फादर कि मैं तुमको ये प्रॉपर्टी इस शर्त पर देता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम अपनी मदर को हर महीने 5,000 रुपए दोगे। फादर वसीयत में लिख रहा है कि सन हर महीने मदर को 5,000 रुपए पे करे फादर की डेथ के बाद, तो ही इस शर्त पर सन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो सन को प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब वो ये कंडीशन फुलफिल करे। अब सन फादर की डेथ के बाद मदर को सपोज हर महीने 5,000 रुपया पे कर रहा है, तो साल का कितना हुआ? 5,000 × 12 महीने 60,000। तो सन ने ड्यूरिंग द ईयर 60,000 पे किया मदर को। बताइए क्या इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम में से लेस कर सकता है या नहीं? यह चीज कहलाती है एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एनुअल चार्ज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए, मिस्टर डी इन टर्म्स ऑफ ए विल एग्जीक्यूटेड बाय फादर बिकेम द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कब? 1 June 2011 को। और द विल क्रिएटेड ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, विल दे चार्ज क्रिएट कर दिया प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कितना? ₹5,000 पर मंथ पेबल बाय मिस्टर डी टू हिज मदर। और प्रॉपर्टी किराए पर दे दी गई है 60,000 पर मंथ रेंट पर। तो बताइए इस सिचुएशन में कैन ही क्लेम द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एज डिडक्शन फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम? बताइए वो ये इनकम में से लेस कर पाएगा या नहीं? ये एनुअल चार्ज है। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलते हैं, कौन से? म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और चीज होती है, एडजस्टमेंट करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट का, वो तो एडजस्टमेंट है, वो भी कर सकते हैं। डिडक्शन 3 और अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तो एनुअल चार्ज है। एनुअल चार्ज का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में अलाउ नहीं है, तो इसका डिडक्शन सन को नहीं मिलेगा, अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सन लेस नहीं कर पाएगा। राइट, बात समझ आई कि नहीं? अब आगे बढ़े, अब आते हम एडवांस रेंट ऑफ फ्यूचर पीरियड। एक छोटा सा इशू, आपको फ्यूचर पीरियड का, आने वाले साल का
एडवांस में रेंट अभी करंट ईयर में मिल गया। बताइए ये रेंट आपको अभी करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा या जिस ईयर से बिलोंग करता है उस ईयर में टैक्सेबल होगा? ये रेंट उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर से बिलोंग करता है, उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में टैक्सेबल होगा, अभी टैक्सेबल करंट ईयर में नहीं होगा। क्यों? अरे सेक्शन 23 कहता है एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू किस ईयर की? जिस ईयर में वो प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस ईयर की। तो ये एडवांस तो नेक्स्ट ईयर का है, ये इस साल टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, इफ द एसएससी रिसीव्स एडवांस रेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर पीरियड इन द करंट प्रीवियस ईयर देन सच एडवांस रेंट शेल नॉट बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। तो कब टैक्सेबल होगा? बट टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर टू विच इट रिलेट्स। किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर टू विच इट रिलेट्स, ठीक है? तो तब टैक्सेबल होगा ये एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट मिले फ्यूचर पीरियड का, जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर में टैक्सेबल बताना होगा, जिस ईयर में रिसीव हुआ है उस साल नहीं, जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में टैक्सेबल बताना है, राइट? अब आते हैं हम इस पेज नंबर 34 पर, एक छोटा सा कमेंट दे रखा है, एक छोटा सा कमेंट क्या है, काफी सारी बुक्स में हाउस प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर वेरिएशन चल रहा है, सॉल्यूशंस अलग अलग हो रहे हैं, तो वो अलग अलग सॉल्यूशन क्यों हो रहे हैं? ऑथर्स में डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट ऑथर्स है और डिफरेंट ओपिनियंस, तीन पॉइंट्स को लेकर डिफरेंस चल रहा है। वैकेंसी पीरियड का ट्रीटमेंट कैसे, अनरियलाइज रेंट के ट्रीटमेंट पर, और पार्टली एसओपी और पार्टली एलओपी प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। बट हमें क्या करना, हमें इतना ध्यान नहीं रखना, हमें कैसे चलना है, आईसीएआई के हिसाब से चलना है। आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने स्टडी मटेरियल में जो पैटर्न फॉलो किया है, हमें चुपचाप वो फॉलो कर लेना है, और हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, आईसीएआई के जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी और पर्पस के लिए कोई और बुक देखते हैं तो हो सकता है आपको इन तीन पॉइंट्स पर अलग ट्रीटमेंट मिले, बट आप करना आईसीएआई के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया, ठीक। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे।